गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की हेडिंग है ठोसों के वैद्युत गुण ऊर्जा बैंड सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम बताएंगे कि ठोस तीन तरह के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं, पहले उस ऊर्जा स्तर है और दूसरा ऊर्जा बैंड। ऊर्जा स्तर में आप 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3s को देख रहे हैं। जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन आपके फिल हैं वो ऊर्जा बैंड में आपको ब्लैक कलर से दिख रहे हैं, और जो आपके खाली हैं वो ऊर्जा बैंड में आपको पिंक कलर दिखाई दे रहे हैं। जो भी हायर होता है, ब्लैक वाले में जो सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी का है वो है 2p, जिसको यहाँ पर संयोजकता बैंड कह रहे हैं, और पिंक वाला जो कि ऊर्जा में सबसे कम है उसको यहाँ पर चालन बैंड कह रहे हैं। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच के गैप को कहते हैं ऊर्जा अंतराल। जब ये अंतराल ज़ीरो होता है तो आपका चालन बैंड की तरह कार्य करता है। जैसे पहले वाले ए डायग्राम में देखिए, यहाँ पर संयोजकता चालन बैंड एक ही है। जब संयोजकता बैंड आपका हाफ फिल्ड होता है और चालन बैंड बिल्कुल खाली होता है, तो वहाँ पर संयोजकता बैंड ही चालन बैंड का कार्य करने लगता है। जबकि बी वाले में संयोजकता बैंड आधा खाली है, पूरा भरा हुआ है, और चालन बैंड पूरा खाली है। उस कंडीशन में भी आपको ई जी ज़ीरो मिलता है। यानी दोनों कंडीशन में अगर गैप ज़ीरो है तो वो चालन की तरह कार्य करते हैं। दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दोनों ही बैंड के बीच में ज़्यादा गैप है, यानी कि करीब करीब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर ये गैप दोनों बैंड के बीच में ज़्यादा होता है तो ठोस हमारे अचालक की तरह कार्य करते हैं। यानी ईजी अगर ज़्यादा है तो वो ठोस अचालक है। वहीं जो हमारा अर्धचालक होता है वो कभी चालक जो और कभी अचालक की भांति कार्य करता है। जो हमारे अर्धचालक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। बाह्य में भी दो तरह के हैं, एन प्रकार और पी प्रकार। पहले बात करेंगे निज अर्धचालक की। इसमें आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, एक में टेम्परेचर 0 केल्विन है, दूसरे में 300 केल्विन। 0 केल्विन पर जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में है वो अपने वैलेंस शेल में ही रहेंगे और हमारा चालन बैंड खाली रहेगा। जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर यही इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जंप कर जाएंगे और वैलेंसी वाले में आपके होल्स रह जाएंगे। फिर ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में चलना शुरू कर देंगे, मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से ये चालकता को शो करने लगेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगेगा। अब बात करते हैं हम एन टाइप के अर्धचालक की। एन टाइप में जितने भी प्योर सिलिकॉन होते हैं वो सारे अपने अपने इलेक्ट्रॉन से बाइंड रहते हैं। सिलिकॉन क्योंकि ग्रुप 14 का एलिमेंट्स है तो उसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। अगर आप ग्रुप 14 के एलिमेंट में कोई भी ग्रुप 15 का एलिमेंट ऐड कर देते हैं, उसको डोपिंग कहा जाता है, तो यहाँ पर फॉस्फोरस को ऐड कर रहे हैं। फॉस्फोरस के खुद तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सिलिकन से जुड़ा रहता है। अब उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो खाली रहता है। वही एक इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा गया है, वो इस पूरे अर्धचालक में चालन का कार्य करने लगता है। यानी यही इलेक्ट्रॉन सब तरफ घूमने लगता है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स का गमन निगेटिव चार्ज की तरफ से पॉजिटिव की तरफ हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिव होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पी प्रकार के अर्धचालक होंगे, उनमें ग्रुप 14 के जो सिलिकन हैं उनमें ग्रुप 13 के एलिमेंट से आप डोपिंग करवाएंगे, और इस डोपिंग में क्या होगा, ग्रुप 3 में संयोजकता भी 3 हो और उसका एक सिलिकन जिससे वो बाइंड नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर धनात्मक छिद्र आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ये धनात्मक छिद्र जो है, अब इस छिद्र का आगमन गमन शुरू हो जाता है, ये उसी अर्धचालक में चलना शुरू कर देता है। और क्योंकि ये धनात्मक होता है इसलिए धनात्मक की जगह से ये ऋणात्मक की तरफ जाता है। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालकों में छिद्रों का गमन होता है प्लस से निगेटिव की तरफ। चिल्ड्रन, थैंक यू।